हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम VIT सोलापुर के नाम से भी जानते हैं। ये कॉलेज हमारा सोलापुर में, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, इसमें कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट, रैंक वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेकंड नंबर हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में, कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, कितनी ब्रांचेज है, हर ब्रांच में कितनी इंटेक कैपेसिटी है। थर्ड नंबर हम देख लेंगे कॉलेज का कट ऑफ, जो कि लास्ट ईयर का है, MSCCT का कट ऑफ रहने वाला है। हर एक ब्रांच का, हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देख लेंगे। सेम उसी तरह हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कॉलेज की फीस भी देख लेंगे। पाँचवें नंबर पर हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, इनटेक कैपेसिटी क्या है, फीस वगैरह क्या है। और सबसे मेन हमारा आता है प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो एंड में हम कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में देख लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जब आपको पता चलेगा इस कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, जब आप डिसाइड कर पाओगे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें कॉलेज की इमेज दी गई है, दो दो कॉलेज की इमेज दी गई है और कॉलेज का लोगो दिया गया है। तो कैंपस तो काफ़ी सही दिख रहा है इसे देखने में। अब हम कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ है, तो लगभग आज से इस कॉलेज को कंप्लीट 16-17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करें, तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर है। कॉलेज के लोकेशन के बारे में बात करें, तो कॉलेज हमारा सोलापुर सेठ वालचंद हीरानंद मार्ग अशोक चौक PB नंबर 634 सोलापुर 4,13,006 में आ जाता है। अब हम इस कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करते हैं, कॉलेज हमारा प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज में जैन माइनॉरिटी है। जैसे कि आपको पता होगा, जो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस होते हैं उनमें 50% रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी के लिए। तो अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन मिल जाता है। जैसे कि आपकी अगर 60 सीटें हैं ना, तो उसमें से 30 सीटें जैन वाले लोग के लिए होंगी, बाकी अदर आपकी कैप राउंड वाले लोग के लिए होंगी अदर कैटेगरी के लिए। उसमें से भी आपको जेई मेंस के लिए अलग से होगा, TOWS के लिए अलग से सीटें होंगी। तो अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये कॉलेज। तो जब हम कॉलेज का कट ऑफ देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा माइनॉरिटी का मेन रोल क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा कॉलेज है अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और ये कॉलेज हमारा अफिलेटेड बाय पूनिया श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.wiitsolapur.org। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब कॉलेज के NRF रैंक के बारे में बात करें, तो 300 के आसपास रहती है, मतलब उससे ज़्यादा भी चली जाती है, 300 से लेकर 350 के आसपास रहती है। अब कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें, तो हमारा पुणे है, जो कि 240 किलोमीटर की दूरी पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी हमारा सोलापुर है और नियरेस्ट बस स्टैंड भी हमारा सोलापुर है, जो दोनों हमारा 5-5 किलोमीटर की दूरी पर। कॉलेज का DTE कोड 6265 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, कॉलेज हमें BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए कॉलेज हमें BTech की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो BTech में हमें यहाँ पे 6-7 ब्रांचेस मिल जाती हैं, हर एक की इंटेक कैपेसिटी भी यहाँ पे दी गई है। तो टोटल BTech में हमें यहाँ पे 600 सीटें मिल जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 60 की इंटेक कैपेसिटी है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 180 का है, IT में 120 का है, ENTC में 120 का, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको न्यू एक ब्रांच देखने मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि नई ब्रांच आई है। इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हो 60 का है, बाकी मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल का भी देख सकते हो, ऑटोमेशन का देख सकते हो 60 का है। आप BTech के बाद इस कॉलेज में MTech भी कर सकते हो, MTech में यहाँ पे आपको 4 ब्रांचेस मिल जाती हैं। इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हो, तो टोटल MTech में यहाँ पे 79 की इनटेक कैपेसिटी है। अब हम कॉलेज का कट ऑफ देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें लास्ट ईयर का MSCCT एंड JEE मेंस का कट ऑफ दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा JEE मेंस वाले लोग के लिए यहाँ पे 15% रिजर्वेशन होता है। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके JEE मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, लेकिन जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो JEE मेंस के थ्रू। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको 15% रिजर्वेशन होता है। आप अगर महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते हो, आपके सिटी में कम परसेंट आए, तो आप JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अगर आपके JEE मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलेज में जैन माइनॉरिटी है, तो अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है, डायरेक्ट आपको 50% रिजर्वेशन देखने मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रांचेस का यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम है, सिविल की तो यहाँ पे सीट तक खाली है। मतलब जो जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर उससे 0% भी रहते ना, तो भी यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो एडमिशन सिविल डिपार्टमेंट में। बाकी आपकी मैकेनिकल की भी सीट खाली है, कंप्यूटर IT ENTC
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप देख सकते हो कट ऑफ काफ़ी कम है, मतलब आईटी का तो 62% आयल है, कंप्यूटर का यहाँ पे 72% आयल के आसपास है, ENTC का 22% आयल है। जैन माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये कॉलेज। अदर कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, जैसे कि ओपन हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, NT 1-2-3 हो गया, तो इनका जो कट ऑफ होगा आप देख सकते हो सिविल के लिए 35% आयल रहेगा। मतलब यहाँ पे हर एक कैटेगरी के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जिनके परसेंटाइल ज़्यादा है उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस है। बाकी कोई भी अगर नॉर्मल कॉलेज होता तो वहाँ पे हर एक कैटेगरी के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज में मेन 50% तो माइनॉरिटी वाले सीट ले लेते हैं, बाकी जो सीट बचती है वहाँ पे 50% यहाँ पे ओपन की हो जाती है, मतलब जनरल कैटेगरी की। उसमें आप SC ST कोई भी कैटेगरी के रहोगे, आपको जिनके परसेंटाइल ज़्यादा है उनको पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरे ओपन वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, पूरे SC ST वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, जिनके ज़्यादा परसेंटाइल है उनको यहाँ पे पहले चांस मिलेगा। बाकी जो आपकी फ़ीस वगैरह होगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से रहेगी, ओपन की मतलब जितनी फ़ीस रहती है उतनी फ़ीस रहेगी, बाकी ST ST की जितनी फ़ीस है उतनी रहेगी। बाकी यहाँ पे TR2 LS की भी 5% सीट अलग से रहेंगी। तो सिविल का आप कट ऑफ देख सकते हो, ओपन का मतलब 35% आयल लिया था, माइनॉरिटी की तो यहाँ पे सीट वैकेंट थी, बाकी TR2 LS का 79% आयल है, JEE मेंस का यहाँ पे 38% आयल है, कंप्यूटर का आप देख सकते हो 90% आयल गया था ओपन का, माइनॉरिटी का यहाँ पे 72.77% आयल है, TR2 LS का 93.77% आयल है, बाकी JEE मेंस का आप देख सकते हो 84% आयल है। IT का भी सेम है, ओपन का 85% आयल, माइनॉरिटी का यहाँ पे 62% आयल गया, TR2 LS का 90% आयल है और JEE मेंस का 78% आयल है। अब यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है तो बाकी लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बाकी OBC ST ST का कट ऑफ क्या रहेगा, तो उनके लिए भी सेम ही कट ऑफ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिनके मार्क्स ज़्यादा है उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से सीट यहाँ पे डिवाइड नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेना हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ क्या रहेगा, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ क्या, TR2 LS का कट ऑफ है, JEE मेंस का कट ऑफ क्या है, हर एक ब्रांच के हिसाब से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के फीस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 99,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस यहाँ पे 12,000 दी गई है, यूनिवर्सिटी जो अदर फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 1,500 है, बाकी जो आपकी टोटल फीस होती है यहाँ पे 1,13,000 के आसपास होती है। आप हर एक कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे फीस देख सकते हो, ओपन की 1,13,000 दी गई है, SC ST की फीस यहाँ पे 1,500 दी गई है, VJDT NT 1-2-3 SBC की फीस यहाँ पे 14,000 दी गई है, बाकी EBC SCBC OBC EWS की फीस यहाँ पे 63 है और TR2 LS की आप देख सकते हो 14,000 दी गई है। मतलब आपकी जो ट्यूशन फीस है 100% ऑफ हो गई, EBC OBC EWS में आप देख सकते हो जो आपकी ट्यूशन फीस है 50% ऑफ हुई है, बाकी SC ST में तो आपकी ट्यूशन डेवलपमेंट फीस दोनों ऑफ हो गई है। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हॉस्टल की इमेज दी गई है, मेस वगैरह का इमेज दिया गया है और जिम खाना का यहाँ पे इमेज दिया गया है। अब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो दोनों की आप फीस वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2-सीटर और 3-सीटर मिल जाते हैं और गर्ल्स में आपको 2-सीटर 3-सीटर 4-सीटर मिल जाते हैं, तो तीनों की फीस यहाँ पे अलग अलग रहेगी। तो आपका जो हॉस्टल का एडमिशन फीस है यहाँ पे 250 रुपीज़ है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, हॉस्टल का जो डिपॉजिट है 4,000 है सभी के लिए, बाकी यहाँ पे 3-सीटर का जो चार्जेस है 11,000 दिया गया है बॉयज़ हॉस्टल का और 2-सीटर का यहाँ पे 16,000 दिया गया है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस होती है 3-सीटर की बॉयज़ हॉस्टल की 15,000 है और 2-सीटर का आप यहाँ पे देख सकते हो 20,000 के आसपास है। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करें तो 2-सीटर का यहाँ पे आपको 20,000 है, 3-सीटर का यहाँ पे आपका 16,000 है और 4-सीटर का यहाँ पे 14,000 है। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से कॉलेज में कितनी कंपनी आई थी, टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट पैकेज क्या गया, एवरेज पैकेज क्या और मिनिमम पैकेज क्या है। तो 2018-19 में आप देख सकते हो टोटल 48 कंपनी आई थी, 2020 में 71 कंपनी आई थी, 2021 में 58 कंपनी आई थी, टोटल आप देख सकते हो कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है हर साल। तो 2018-19 में आप देख सकते हो 300 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2020 में 300 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2021 में 200 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। हाईएस्ट पैकेज भी आप देख सकते हो 11 लैक्स गया था 2019 में, 6 लैक्स गया था 2020 में और 21 में आप देख सकते हो 10 LPA गया था हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज भी आप देख सकते हो कॉलेज का मतलब 2.5 से लेकर 3 LPA के आसपास थे और लोवेस्ट पैकेज 1.44 LPA। तो ओवरऑल तो एक एवरेज कॉलेज, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है कम परसेंटाइल में तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से हर एक ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ था, मतलब कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे सिविल का तो आप देख सकते हो 2019 में 8 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2020 में 27 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2021 में 0 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो ये हमारे सिविल का हाल है। बाकी आप कंप्यूटर का देख सकते हो अच्छा खासा प्लेसमेंट है, IT को भी सही है,
ईएफटीसी को भी सही है, बाकी मैकेनिकल को भी सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सही है, बस सिविल में थोड़ा यहाँ पे कम प्लेसमेंट है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट कौन से कॉलेज कर रहे हो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।